हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के पे बेस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन राइट कंजुगेट एसिड एंड बेस ऑफ कंजुगेट एसिड एसिड्स फॉर द फॉलोइंग। तो पहला दिया हुआ है NH2-, उसके बाद NH3, उसके बाद क्या दिया हुआ है HCO-। तो इसका कंजुगेट एसिड बनाना है। तो कंजुगेट एसिड बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, H+ को ऐड करना होता है। सिंपल सा है, जो इसमें अगर H+ ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड। H+ अगर ऐड हो रहा है कंजुगेट एसिड बेस में, और जो एसिड जो होता है क्या होता है, एसिड H+ को डोनेट कौन करता है, एसिड H+ को डोनेट करता है। तो इसमें क्या करेंगे, H+ को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कंजुगेट एसिड। ये इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। इसका हो जाएगा NH4+, इसका कंजुगेट एसिड ये हो जाएगा। ये क्या है, कंजुगेट एसिड। उसके बाद दिया हुआ है क्या, SO4-, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, तो HSO4- होगा, इसका कंजुगेट एसिड ये होगा। राइट कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग। HF H2SO4 HCO3-। तो इसका हमको कंजुगेट बेस निकालना है। तो H+ को रिमूव कर देंगे तो क्या निकलेगा, H+ को रिमूव कर देंगे तो ये F- क्या है, इसका कंजुगेट बेस, और H+ क्या है, ये कंजुगेट एसिड। तो F- इसका हो जाएगा कंजुगेट बेस, इसमें क्या होगा HSO4- कंजुगेट बेस, इसमें क्या होगा HCO3, यहाँ पे हो जाएगा CO3-, क्योंकि H+ रिमूव हो गया तो एक इसमें और क्या नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या है, कंजुगेट बेस, ये क्या है, कंजुगेट बेस।